सोलन में बिजली विभाग की लापरवाही बड़ा हादसा टला। सोलन में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते एक बहुत बड़ा हादसा होने से उस समय बच गया जब एक हल्की बारिश की बौछार से बिजली का खंभा बीच सड़क पर टूट गया और उसकी तार एक घर को छू गई। गनीमत यहां यह रही कि जिस घर पर यह तार गिरी वहां के सब लोग घर के अंदर थे। आपको बता दें कि जिस घर में बिजली की तार गिरी वहां पर 3 छोटे छोटे बच्चे अपने परिवार के साथ रहते हैं। जानकारी के अनुसार सोलन के धोबी घाट रोड में आज बारिश के चलते बिजली का खंभा जमीन में धस गया और सड़क के बीच में टेढ़ा हो गया। इस वजह से धोबी घाट जाने वाला मार्ग अवरुद्ध हो गया था तथा स्थानीय लोगों द्वारा इस खंभे की खासा हाल के बारे में पुलिस प्रशासन और बिजली विभाग को पहले कई बार सूचित किया गया था। बावजूद इसके विभाग के कान में जू तक नहीं रहेगी। आज जैसे ही बारिश हुई तो बिजली का खंभा धराशायी होकर बीच सड़क पर गिर पड़ा, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने इसकी सूचना पहले ही पुलिस प्रशासन और बिजली विभाग को दे रखी थी, जिसके चलते विभाग द्वारा नए खंभे लगाए तो थे लेकिन तार को शिफ्ट करने के कार्य में टाल मटोल किया जा रहा था, जिसकी वजह से आज ये हादसा हुआ। और लोगों का कहना है कि खंभे से हाई टेंशन वायर जा रही थी जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया। वहीं जब हमने इस बारे में बिजली विभाग के SDO मनी आर्या से बात की तो उन्होंने बताया कि खंभे को चेंज करने का कार्य किया जा रहा था जिसके लिए अलग से खंभे लगाए गए थे लेकिन बारिश होने की वजह से आज यह हादसा हो गया। उन्होंने कहा है कि इन तारों को जल्द ही नए खंभे पर शिफ्ट किया जा रहा है। मेरा नाम ज्योति है जी। 2 महीने से हमने कंप्लेन दे रखी थी इस खंभे की, पर कोई कार्रवाई नहीं इन्होंने करी। मेरे बच्चे सारा दिन यहीं बैठते हैं, यहीं खेलते हैं। इस टाइम कोई बच्चा हादसा हो जाता तो इसका कौन जिम्मेवार होता? रिटर्न कंप्लेन दी है, पुलिस वालों को दी है, ठीक है। वो आए, खंभे लगा के गए, सब कुछ करके गए, हो रहा है जी, सामान नहीं है, आ रहा है, पर कुछ भी नहीं हुआ। देखो आज गिरी गया, एक बड़ा हादसा होने से टल गया। देखो इस टाइम कुछ भी हो सकता था, तब उसका कौन जिम्मेवार होता? ये 18th May को ये डंगा गिरा था जिसके कारण ये पोल भी, इलेक्ट्रिसिटी पोल भी टिल्ट कर गया था। मैंने सेम डे पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था, इलेक्ट्रिसिटी को भी इन्फॉर्म कर दिया था कि प्रॉपर इसके एक्शन लिया जाए, पर उसके बाद ना पुलिस ने कोई एक्शन लिया। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले 4 दिन बाद आए, उन्होंने खंभे लगा दिए 2, उसके बाद उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, देयर वाज नो एक्शन। और आज ये थोड़ी सी बारिश और हुई है, ये खंभा गिर गया नीचे, ठीक है। और चांस की बात है, स्कूल की छुट्टियाँ होती है, स्कूल टाइम होता है ये वाला, इस टाइम बच्चे आ रहे होते हैं और ये हाई टेंशन वायर है। पेपर में 3 बार आ चुका है पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ पर एक हमारा पोल में मिसअप, एक पोल गिर गया हमारा बारिश की वजह से, जो डंडा था थोड़ा सा गिर गया है, तो वो भी हम ठीक कर रहे हैं, सर। लोगों का कहना है कि उन्होंने इसकी कई बार कंप्लेंट की थी और एक्स्ट्रा कमरे भी लगे हैं, उसके बावजूद भी मतलब नहीं, कंप्लेंट उसकी हुई है। अब हम भी इसी काम में लगे हुए हैं, कभी पहले काम कर लेते हैं उसके बाद आपको बताते हैं। नहीं, जैसे कि 1.5 महीने से नहीं, ऐसे कोई रिटर्न कंप्लेंट तो हमारे ऑफिस में नहीं आई है। नहीं, ये हमारी उस पेट्रोलिंग में था, हमारा खंभा ये हमारी पेट्रोलिंग में था कि ये खतरा है और इसको हम ठीक कर रहे थे। सडनली ये आज बारिश की वजह से प्रॉब्लम आ गई है। नहीं, इसका प्रिकॉशन हमने सारे लिए हुए थे। सोलन से अमरप्रीत पुंज की रिपोर्ट। विल यू डाउट योर ड्रीम्स और डिसाइड टू सक्सीड? At Shulini University, you join the next generation of top professionals and problem solvers through world-class innovation and research. Shulini University. Think learning, think success.